के माना क्या मुश्किल है ये मां समझना ये बात पर याद हम करेंगे पर याद हम करेंगे मोहम्मद के गांव में ताया है रख के गुंबद खजरा पे आज भी खजरा पे आज भी ये बस साबित ये हम पर साबित ये हम करेंगे मुश्किल खुशा मिलेंगे मोहम्मद के गांव में मोहम्मद के गांव में के मुश्किल खुशा मिलेंगे मोहम्मद के गांव में और दामन अली भरेंगे दामन अली भरेंगे मुश्किल कुशा शेरे खुदा याली मुश्किल कुशा शेरे खुदा आपको अल्लाह ने बख्शा कितना ऊंचा मर्तबा आप दामाद नबी हो याली शेरे खुदा तौहीद से सर जुल्म के तोड़े हैं दर्ब तौहीद से सर जुल्म के तोड़े हैदर काबूटे दस्त जबर ऐसे झजोड़े हैदर बदर में गर्दने बातिल को मरोड़े हैदर दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हैदर बहर जुल्मात में दौड़ा दिए छोड़े हैदर
उमरत देवत जाता है तय कर खंडक, है मुकाबिल में अली फिक्र नहीं है मुतलक। पहलवा कहता है कर दूंगा अली ची नासक, कहते हैं बोलते है तेरी तब नाहक। तू तो देखे है बहुत जाए बतौरे है, उम्र देवता जाते हैं तय कर खंडक, है मुकाबले में अली फिक्र नहीं है मुतलक। पहलवा कहता है कर दूंगा अली सी नाशक, कहते हैं बोलते है तेरी तब नाहक। तू तो देखे है बहुत जाए बतौरे है, कि तुम मेरे साथ चल नहीं सकते और गम को गम के साँचों में ढल नहीं सकते। मैं गिरा तो संभल जाऊंगा, तुम जो गिरे तो संभल नहीं सकते। कि मैं जंगे मैदान में तेरा नक्शा भी बदल सकता हूँ, साथ तेरे चलने से फायदा क्या, मैं तुझसे आगे भी निकल सकता हूँ। हैदर जब अली के जंग लास्ट जंग है, जंग खैबर, एक्सक्यूज मी लास्ट जंग, उससे पहले तीन जंग हुई गए। कुंची भाई तुम कुछ बताया नहीं, बस हुआ लीला है, ले कूदो वेला। तो मैं एक तरफ से जाता हूँ कुंची, अब बता समझेला कौन समझी, धमकी लगा था तुम। अरे जंगे बदर का ये वाकिया है मोमिनो, जंगे बदर का ये वाकिया है मोमिनो, पहला लड़ाई हमजा और उतबा की हुई, हमजा ने मार कर हा उतबा को गिरा दिया। पहला लड़ाई हमजा और उतबा की हुई, हमजा ने मार कर हा उतबा को गिरा दिया। जंगे बदर का ये वाकिया है, दूसरा मैदान में आए उबैदा और शैबा, दोनों की तलवार और घायल हुए दोनों। के दूसरा मैदान में आया उबैदा और शैबा, दोनों की तलवार और घायल हुए दोनों। तो हजरत अली ने देखा कि माहौल थोड़ा गड़बड़ है,
तो उसने अपने जुल्फकार से शहबा का खात्मा किया। जंगे बदर तीसरा मैदान में आए अली और वली, तीसरा अली और वली, अली ने मार कर वलीद को गिरा दिया। तीसरा मैदान में आए अली और वली, अली ने मार कर वलीद को गिरा दिया। जंगे बदर का जुबैर गए थे और दुश्मनों के तरफ से था आया अबू कौशी। आखिरी में हजरत जुबैर गए थे और दुश्मनों के तरफ से था आया अबू कर्श। के अबू कर्श जो होता है बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान होता है, चेहरा उनका लोहे में ढका होता है, पर हजरत जुबैर अपने नेजे से उनके आंख में मार के उन्हें मार देता है। जंगे बदर उतर यार के दिल में दिलदार बन जा। ना यार बन यार का यार बन जा, किसी के मोहब्बत में बीमार बन जा। और हुसैन इब्ने हैदर के तलवार बन जा। कदम राहे उल्फत में रखना संभल कर, दगा तुमसे कर देंगे तेरे यार मिलकर। तुम्हें लूट लेंगे सब वफादार बनकर। लाइनों के सपने खड़ा हो जा तन कर, और हुसैन इब्ने हैदर के तलवार बन जा। दूसरा बात ये खास तुम्हारे लिए, बुजुर्गों के खिदमत ऐ दिलदार कर कुछ, तुम्हें जिंदगी में रहेगा ना खतर कुछ, जुबा में भी तेरी रहेगा अतर कुछ, और तुम्हें दर्द रहबर से पाना है घर कुछ, हुसैन इब्ने हैदर के तलवार बन जा। मशहूर रवायत है चहे दुर्गदार की, मशहूर रवायत है चहे दुर्गदार की।
लुंगी में बदले आओगे जिस वक्त तू अली, जिस तरह आज तोड़ी है तुमने तेरी पगड़ी, जिसम निकल आया सारा तेल, क्या रोग की जमी के कुछ हो गई की पर बोले अली के देर लगकर सुन ऐसा ही था, पहले तक अपना तेल जमी पर बैठा गिरा, पहले तक अपना तेल वो हंसी हुई जमी बोल के या अली से मुझे मजा आई, दुनिया के बाद छोड़ ए बेकार है तमीज, कुछ दिन के बाद जब के अली हो गए कभी, कब्र में लिटा के मोमिन चले गए, मुर्गी नकीर आए सारे में फिर हो गया एक वादिया आया, कहा जमीन तोड़ दो एक एक हटिया, आते के तरह फिर तुझे फिर सारी बसिया, चारों तरफ से जोर लगाने पे हो चली, मंदिर को देखा देख कर हंसने लगे अली, चारों तरफ से जोर लगाने की हो चली, एक बाल बीबी का ना पिया उसके भाई, दोस्तों किसी हूँ ना यू ही घबराऊंगा, उल्फत शाहे मदीना मैं सरी कटवाऊंगा, के मैं गुलामाने नबी हूँ ना यू ही घबराऊंगा, उल्फत शाहे मदीना में सर कटवाऊंगा, जरूरत पड़ी तो दारा सिकंदर से भी टकराऊंगा, के जरूरत पड़ी तो दारा सिकंदर से भी टकराऊंगा, लेके नामे नबी दुश्मन पे झपट जाऊंगा, के जंगे बदर के बाद जंग उहुद आता है उसका वाकया, अरे जंगे उहुद का ये वाकया है मोमिनों, जंगे उहुद का ये वाकिया है मोमिनों, था अल्लाह नाम का एक शख्स मक्के में, शायर थे वो बड़े हाँ बड़े थे वो होशियार, We'll be right back.
जंगे बदर में छोड़ दिया था जिने हुजूर, इस्लाम से लड़ने के लिए हो गए मजबूर। के जंगे बदर में जब अल्लाह सा पकड़ा जाता है तो हुजरे पास तरस खा के उसे छोड़ देता है, क्योंकि उनके पास ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो हुजूर पाक उसको छोड़ देता है और फरमाता है कि हमारे खिलाफ में कभी होना नहीं, लेकिन देखो ये शख्स गुमराह हो जाता है। जंगे उहद का ये वाकिया है मोगी, हिंद जो उत्बा बिन रबिया की हाँ बेटी थी, हमजा का कले जाओ चबाना चाहती थी। के हिंद जो उत्बा बिन रबिया की बेटी थी, जिन्हें जंगे बदर में अमीर हमजा ने एक ही बार में शहीद कर दिया, उसने कहा कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा और हमजा का कलेजा कच्चा चबाना चाहता हूँ। हिंद जो उत्बा बिन रबिया की हाँ बेटी थी, हमजा का कलेजा वो चबाना चाहती थी। जंगे उहद का ये वाकिया है, के 3 हिजरी 7 सवाल में 7वीं सवाल को जंगे उहुद हुआ। के रसूल अल्लाह के लश्कर में, हमारे हुजूर के लश्कर में 1000 का फौज था और उधर 3000 के, तो कुछ गुफ्तगू होता है फौजियों में। तो 300 लश्कर वापस चला जाता है तो सिर्फ 700 मुसलमान के फौज बचते हैं। जंगे उहद जंग शुरू हुए, एक तरफ 700 एक तरफ 3000। पहला लड़ाई तलहा और जुबैर की हुई, फुल नेम तलहा बिन अबी तलहा। पहला लड़ाई तलहा और जुबैर की हुई, तलहा को मार कर जुबैर ने गिरा दिया। पहला लड़ाई तलहा और जुबैर की हुई,
जाता है हमजा और उस्मान, जैसे ही अबू तलहा गिरता है उस्मान का भाई, तो झंडा उस्मान उठा लेता है और ललकारता है अमीर हमजा को। तो अमीर हमजा जंग में मैदान में जाकर उसे मजाक चलाता है और उन्हें मार के गिरा देता है। जंगे दो लड़ाई के बाद फिर खुला आम लड़ाई हुई और 50 तीर अंदाजों को हुजूर पाक ने फरमाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उहुद के पहाड़ को छोड़ना मत, लेकिन 50 तीर अंदाजों से वो गलती हो गई। जब इस्लाम के फौज यजीदों को मारने लूटने लगे तो वो भी पहाड़ छोड़कर आ गए नीचे उनके संग में। तो उस लड़ाई में अमीर हमजा शहीद हुआ और सैयदना उमैर, जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर से मिलता जुलता था, जब वो शहीद हुए तो लोगों ने सोचा कि हुजूर पाक शहीद हो गए। लेकिन एक शख्स ने जब देखा उसको तो फरमाया कि नहीं, हमारे हुजूर पाक जिंदा है। और अमीर हमजा को जो लाश थी वो जमीन से थोड़ी ऊंची थी, यानी हवा में रहा, और उनके लाश से पानी टपक रहा था। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि फरिश्ते इन्हें गुसूल दे रहे हैं। पत्थर की दो कड़ियां पेशानी पे लगता है और दूसरा पत्थर से उसके दो दांत शहीद होता है। इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए, दो दो तीन तीन को एक ही में दफन किया गया। के इतना छोटा था कफन का जो कपड़ा के पांव ढाको तो सर खुल जाता था, सर ढाको तो पांव खुल जाता था। तो उन्होंने सर ढाक के अमीर हमजा को पांव जिस जगह पे खुला था सूखा घास रख दिया। तो इसी तरह से करके उन्होंने अमीर हमजा और सैयद उमैर का कफन और दफन किया। मोहम्मद के दुलारे आए दीन के पास, अल्लाह के प्यारे आए। करबला में जब मोहम्मद के दुलारे आए, गुल हुआ है दर करार के प्यारे आए। फौज दरिया पे तो याद आए अब्बास, उन्हें भाई का प्यास का ऐसा हुआ एहसास, उन्हें पानी चुल्लू में उठाए मगर पी न सके, है दो घूंट भी चेहरा के पीकर पी न सके। ये कैसे थितराई पर के पिल्ला है ये थितराई पर तुम छोड़ो और तौहीन जो करोगे मोहम्मद की शान में। बोले दुई दांत टूटा है। तौहीन जो करोगे मोहम्मद की शान में, कीड़े पड़ेंगे देखना तेरी जुबान में।
तो याद आए अब्बास उन्हें, भाई का प्यास का ऐसा हुआ एहसास उन्हें। पानी चुल्लू में उठाए मगर पी न सके, हाय तो घूंट भी चेहरा के पिसर पी न सके। पानी क्या पीते प्यासी थी चकीना उनकी, रहा तकते थे वाशाह मदीना उनकी। मत्तल में सकीना, मत्तल में सकीना ने कहा अश्क बार भैया अली देखेगा। तो मैं चेंज करता हूं आशिकाना में, क्या अभी
तो बहुत बचा है, खंदक खैबर बहुत बचा है, पर तरस, तरस भी कोई चीज है, हमें तरस लगे तुम आप पर उस्ताद। पर आइंदा अगर आना हमारे संगे पिवा कवाली ला मामला में तो जग के आना, हम कोई खिलौना नहीं है। तो मैं आशिकाना में चेंज करता हूँ। अरे बाजी है जान की, सबने कुर्बानी दी, लैला मजनू भी जान दिल पे मैं अपना के शायरी सुनना। के दुख भी ला सकता था मगर जनवरी अच्छी लगी, सलमान। दुख भी ला सकता था मगर जनवरी अच्छी लगी, और बच्चों के हाथों में जलती फुलझड़ी अच्छी लगी, दिवाली लमंगरा। के दुख भी ला सकता था मगर जनवरी अच्छी लगी, बच्चों के हाथों में जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। तुम्हारे दामन में है अगर सितारे तो आए फलक, तुम्हारे दामन में है अगर सितारे तो आए फलक, मुझे मेरी महबूबा की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। Thank you.
کہ دل ہر کسی پہ آ سکتا ہے اس کا کوئی روک نہیں ہے. لکھتا ہوں آج کل خون سے یہ پین کا نوک نہیں ہے. کہ دل ہر کسی پہ آ سکتا ہے اس کا کوئی روک نہیں ہے. اور لکھتا ہوں آج کل خون سے یہ پین کا نوک نہیں ہے. ارے میں مس کال بھی کروں تو کیسے ان کے شہر میں, یہ اس جگہ پہ ہے جیسا نیٹ ورک نہیں ہے. چاہت میں میں تو سنم پاگل ہو گیا, تیری چاہت میں میں تو سنم चर्चा था जिनके नाम का क्या आप वही है, खाती रहे हराम का क्या आप वही है, पैखाने के कीड़ों में लिपटाए हुए थे और गोल चाय वालों में मुरझाए हुए थे, तेरे घर में अपना घर कई बनाए हुए थे, सहता था बेलगाम का क्या आप वही है. आसर जब हमें बुलाओ तो कोई अच्छा गवर नहीं का क्या व्यवहार करता हूँ मजा तुम लोग हम निकल लो बाजा तुम लोग अपन फटा. मैं फरमाइश जोड़ता हूँ इस गाने में, इस करबला की गाना है क्योंकि ये शहीदी के वक्त है और शहीदी चल रहा था और अपने मन से तुम गाना चेंज कर दिया और भर भर के भरे जाता एक ईच गाना तुम भरे जाता. तुम नेक्स्ट टाइम आना तो तुम किताब ले गाना, तुम्हें भागे जरूरत नहीं पड़ी. तुम भर भर के फोन पड़ता कि कौन चीज करता बुक देखता कौन चीज मामला तुम्हारी. जब कोई कलाकार गाना गाए फेयर नहीं है डीवीडी बने हैं हम तुम्हें माफ कर दिया ना तुम्हारे अब्बा के चेहरा देख के, लेकिन हम माफ करे बावजूद में भी तुम बिगाड़ लिया है चुटाई लिया जाने की तुम. अच्छा अगर अगर है गाना तो सही करबला गाना गाए के तो मैं फरमाइश जोड़ता हूँ हमारे संधि जो बा नमाता से आए हुए हकीम और इकबाल भी उधर आया हुआ है ये दोनों साथ में आए हुए. फिर शहीदों के दिलदार पे रोना आया, याद चपीर मेला चार रोना आया.
उसके जिंदा बाबू तुम मैंने जिंदा जब लाइन पे गाना चलत रहा तुम लाइन पे आया नहीं अब गाय बनता टंकी भर की दिखाता नहीं देखा तुम आओगे एक दिन लौट के सुबह से जानते थे हम तुम आओगे एक दिन लौट के सुबह से जानते थे हम इसीलिए तमाम उम्र मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा